भारतीय म्यूचुअल फंड मार्केट के कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट का 70% सिर्फ 7 सबसे बड़े म्यूचुअल फंड्स के पास है। सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने इस बात पर चिंता जताई है। भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM अपने लाइफटाइम हाई पर चल रहा है। जुलाई 2018 में भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल AUM लगभग 24 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले 10 साल के मुकाबले ये आंकड़ा 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। पिछले 5 साल में इसमें 3 गुना से भी ज्यादा बढ़त आई है और पिछले 3 साल में ये दुगने से भी ज्यादा बढ़ा है। 31 जुलाई 2008 में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का कुल AUM लगभग 5,41,000 करोड़ रुपए था। इसी समय 2013 में ये 7,61,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा। मई 2014 में पहली बार इसने 10 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया। अगस्त 2017 में नोटबंदी के बाद इसने पहली बार दुगना होकर 20 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया और फिर जुलाई 2018 के अंत तक ये आंकड़ा 23,06,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। पर क्या भारतीय कंपनियां भी इतना ही विकास कर रही हैं जितना म्यूचुअल फंड का बाजार कर रहा है? भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के कुल AUM का 50% सिर्फ 4 बड़े म्यूचुअल फंड्स के हाथों में है और 70% सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड्स के पास हैं। ICICI प्रूडेंशियल, HDFC, आदित्य बिरला सनलाइफ, रिलायंस, SBI, UTI और कोटक महिंद्रा। इन सारे म्यूचुअल फंड्स का AUM 1,00,000 करोड़ रुपए से 3,50,000 करोड़ रुपए के बीच है, जिसका मतलब है कि पूरे म्यूचुअल फंड मार्केट पर इनका ही राज है। हालांकि सेबी के चेयरमैन अजय त्यागी ने इस असमानता पर चिंता जताई है और इसे एक गंभीर विषय भी बताया है, क्योंकि ज्यादातर फंड बैंकों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इससे ये संकेत भी मिलता है कि बैंक शेयर बाजार में पैसा लगाकर सेंसेक्स का स्तर बढ़ाए हुए हैं। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।